सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान पर अवैध पटाखा रखे जाने की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने नखास चौक स्थित ओसामा एंड कंपनी के पटाखे की दुकान पर छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि ओसामा एंड कंपनी जो कि एक स्पोर्ट्स की दुकान है जिसका मालिक सद्दाम है, इनकी दुकान पर भारी मात्रा में अवैध पटाखे का भंडारण किया गया था जिसे जब्त कर लिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पटाखे का भंडारण इनके घर पर भी किया गया था, उसको भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ओसामा एंड कंपनी के पटाखे की दुकान का लाइसेंस पूर्व में ही सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद भी पटाखों की बिक्री कर रहे हैं जिससे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बरामद किए गए पटाखों की कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए आंकी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों से कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस हो तभी पटाखों की बिक्री करें और नियमों का पालन करें एवं नियमानुसार लाइसेंस में पटाखों की जितनी भंडारण की क्षमता दी गई है उतना ही भंडारण करें। उन्होंने बताया कि भंडारण से ज्यादा कोई भी विक्रेता पटाखा रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा, नगर निगम चौकी प्रभारी राम सिंह, नखास चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह व अन्य पुलिसकर्मी सहित तहसील सदर की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, उतारने के लिए दो आदमी पकड़ लो। हेलो, क्या देख रहे हो सर? सर सर हो जाओ। Thank you.
अरे बिल्कुल घर कैसे जाते हो? नहीं हम सब जगह देखेंगे, नहीं तो सील कर देंगे इसको उठा दे तो टायर भी नहीं सीढ़ी दो सीढ़ी दो सीढ़ी अंदर सील कर दे तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। साइकिल भी नहीं बिकेगी ना, दिक्कत तो ये हो जाएगा। सर सर नहीं है सर, घरे काम नहीं करते दिनेश भैया, ये लोग आए हैं, हम लोग बुलाए हैं सर इनको। अच्छा, इसी दुकान पे काम, यहाँ के लेबर तो फरार हो गए। अच्छा भाग गए सर, नेवी का ऑफिसर है हमारे साथ। मकसद यही है, पहले सुनो, पहले तुम लोग निकाल लो, देन तो हम लोग देखेंगे। तब हाँ, पहले एक बार निकालें। देखिए, कोतवाली थाना स्थित नखास में सूचना मिली थी तहसील और पुलिस की टीम द्वारा कि यहां पे एक अवैध रूप से पटाखे के भंडारण और कारोबार किया जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त टीम पुलिस की और तहसील की टीम के साथ यहां पे छापेमारी की गई। छापेमारी में एक स्पोर्ट्स की दुकान जो कि सद्दाम नाम के व्यापारी के नाम से थी, तो उसमें बहुत ही भारी संख्या में पटाखे पाए गए हैं और इसके पीछे इनका घर भी है। उस घर में भी इनके द्वारा पटाखे का भंडारण किया गया था। चूंकि इनका लाइसेंस ये बताया गया कि पूर्व में सस्पेंड हो चुका है, तो इस तरह की अगर भंडारण और विक्रय अगर ये कर रहे हैं तो अवैध है, तो इसी क्रम में इनके इस पर मुकदमा लिखवाया जा रहा है और आगे जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। पटाखों का भी पूरा स्टॉक तैयार किया जा रहा है कि कितने पटाखे हैं, पर लगभग पटाखे का अनुमानित मूल्य 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आ सकता है। तो ये सब कार्रवाई की जा रही है और ज्वाइंट टीम यहाँ पे है और आगे भी दिवाली के पर्व तक ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि पटाखे लगभग 10 से 15 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए, पर एग्जैक्ट अभी मैं बता सकूँ की स्थिति में नहीं हूँ। और बहुत भारी संख्या में पटाखे मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास जो लाइसेंस था वो पूर्व में सस्पेंड हो चुका है, तो इसलिए इस तरह का अवैध भंडारण और अवैध रूप से विक्रय करना ये पूरी तरह से गलत है। ये कार्रवाई दिवाली के पर्व तक चलती रहेगी और सभी जो पटाखा के व्यवसायी हैं या जो अस्थाई और स्थाई दुकान लगाते हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके पास लाइसेंस हो तो लाइसेंस हो तभी आप पटाखे का विक्रय करें और नियमानुसार ही विक्रय करें। इसके अलावा जितना आपके पास उसका भंडारण की क्षमता, जितना लाइसेंस दी गई उससे ज़्यादा भंडारण ना करें। अगर आप कार्रवाई में पकड़े जाते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं, उस पर आपके खिलाफ़ बहुत ही गंभीर कार्रवाई की जाएगी।